और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दक्षिण के दंगल में यहां पर दुर्ग राजनांदगांव के नेताओं की अब एंट्री हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, जहां दक्षिण में उपचुनाव होना है और अब दंगल में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री हो चुकी है। राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से यहां पर टिकट मांगी है। पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने सचिन पायलट से टिकट मांगी है। राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम के लिए टिकट मांगी है। कहा रायपुर के नेता राजनांदगांव से लड़ सकते हैं, राजनांदगांव के नेताओं को भी रायपुर से टिकट मिलना चाहिए। दुर्ग के बोरा परिवार के सदस्य राजीव बोरा की भी दावेदारी है। नए दावेदारों की एंट्री के बीच यहां पर दक्षिण को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो रोचक ये मुकाबला होना है और कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है दक्षिण रायपुर की ये सीट। और अब इस पूरे दंगल में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से यहां पर टिकट मांगी है। पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने सचिन पायलट से टिकट की मांग की है। तो वहीं राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम के लिए टिकट मांगा गया है। कहा रायपुर के नेता राजनांदगांव से लड़ सकते हैं, राजनांदगांव के नेताओं को भी रायपुर से टिकट मिलना चाहिए। दुर्ग के बोरा परिवार की अगर बात करें तो यहां पर दुर्ग के बोरा परिवार के सदस्य राजीव बोरा की भी यहां पर दावेदारी है। नए दावेदारों की एंट्री के बीच अब यहां पर दक्षिण के चुनाव को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और सियासत तेज होती हुई जहां नए नेताओं की एंट्री और दावेदारी यहां पर अब हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, अपडेट लेंगे। करिश्मा, यहां पर दंगल में अब जो है दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री हो चुकी है, रोचक ये मुकाबला होना है, हाई प्रोफाइल ये सीट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पूरी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब दावेदारी को लेकर के एक दंगल जो है वो शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के दावेदारी आ रही, वहीं बात करें रायपुर के इस उपचुनाव के लिए देखा जा सकता है कि दुर्ग से दावेदारी जो है वो राजनांदगांव से जो दावेदारी है वो सामने नजर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने सचिन पायलट से टिकट मांगी है। और किसके लिए टिकट मांगी है? राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम के लिए उन्होंने टिकट मांगी है। उनका कहना है कि रायपुर के नेता राजनांदगांव से अगर लड़ सकते हैं तो राजनांदगांव के नेता रायपुर के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। इसके साथ देखा जा सकता है कि दुर्ग के बोरा परिवार के सदस्य राजीव बोरा की भी दावेदारी सामने नजर आई है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले हैं, सचिन पायलट से मिले हैं और तमाम पूर्व मंत्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दंगल का मैदान बनने वाला है, क्योंकि दावेदारियां लगातार आ रही हैं। करिश्मा, कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए, क्योंकि कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट रही है। देखिए, मुश्किल तो बहुत है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल आपको बता दें 8 बार के जो है विधायक रहे हैं यहाँ पर और उनको हराना काफी मुश्किल था। लेकिन अब देखा जा सकता है कि सांसद बनने के बाद एक जो जगह खाली हुई है तो कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीद की किरण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं साइड हो चुके हैं, तो इस बार के ये जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस की वापसी जो है शायद हो पाए, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी हैं। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुकी है और जल्द ही नाम भी जो है उपचुनाव के लिए तय कर लिए जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन एक उम्मीद जो है कांग्रेस पार्टी में अभी तक बनी हुई है। बिल्कुल करिश्मा, तो कुल मिलाकर रोचक ये मुकाबला होने वाला है, नजर बनाए रखेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।